कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद में दुनिया भर के देश अपना अपना ज्ञान बांट रहे थे। अब इन्हीं देशों को भारत ने आईना दिखा दिया है। इस मामले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दूसरे देश हमारे मुद्दों से दूर रहे, आंतरिक मामलों पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कर्नाटक के कुछ कॉलेजों में ड्रेस से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अपने आंतरिक मामलों पर हमें आपकी टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग भारत को अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें इन घटनाओं की उचित समझ होगी। आपको याद दिला दें कि बाइडेन सरकार में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामले के राजदूत राशिद हुसैन ने ट्वीट करके कहा था कि कर्नाटक सरकार को इस पर फैसला नहीं करना चाहिए कि कोई मजहबी पोशाक पहने या नहीं। अमेरिका के अलावा पाकिस्तान के कई मंत्री भी हिजाब विवाद मामले में बेमतलब अपना ज्ञान देने कूद पड़े। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मुसलमान लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना मौलिक मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। तो वहीं पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद हुसैन ने कहा था कि भारत में जो चल रहा है वह भयावह है। हिजाब पहनना किसी भी दूसरे परिधान की तरह निजी इच्छा है। नागरिकों को इसकी आज़ादी दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, अमेरिका और पाकिस्तान के अलावा तालिबान की भी हिजाब विवाद में एंट्री हुई। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय मुस्लिम लड़कियों के संघर्ष से पता चलता है कि हिजाब एक अरब, ईरानी, मिस्र या पाकिस्तानी संस्कृति नहीं है, बल्कि एक इस्लामी मूल्य है जिसके लिए दुनिया भर में मुस्लिम लड़कियां विशेष रूप से धर्मनिरपेक्ष दुनिया में विभिन्न तरीकों से बलिदान करती हैं और अपने धार्मिक मूल्य की रक्षा करती हैं। फिलहाल हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक सरकार ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छुट्टी को और बढ़ा दिया है। अब कॉलेजों की छुट्टी 16 फरवरी तक के लिए कर दी गई है। गौरतलब है कि कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरुआत दिसंबर के अंत में हुई थी, जब कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर उडुपी के एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में आने लगी। इसका विरोध करने के लिए छात्रों के एक ग्रुप ने भगवा गमछा पहनना शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला बढ़ता गया और सरकार ने गरमाते हुए मामले के बीच ड्रेस कोड का फैसला लिया। फिर ये मामला कोर्ट पहुंच गया। अब हाई कोर्ट की बेंच इस मामले में 14 फरवरी को सुनवाई करेगी।